सत श्री अकाल अमृतसर पेज न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं कनितिका मलिक बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। अज आप एक बार फिर पाइटेक्स मेला से पहुँच चुके हुए हैं जिथे मैं तुम्हें दसिया कि प्लेंटी ऑफ स्टोल्स प्लेंटी ऑफ मैं कह सकती हूँ स्टॉल्स लगे हुए हैं। ईवन कि इतने अमीगोस टाटा ने भी कार का अपना स्टॉल लगाया है जिथे कि मतलब हर वरायटी ऑफ कार इतने लगी हुई है। तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ सफारी कार लगी हुई है इतने एल्ट्रो कार लगी हुई है एल्ट्रोज एंड ईवन कि जी पंच नवी कार लॉन्च हुई है वो भी इतने कार इतने स्टॉल लग्या होया वो भी एक कार दा। ते हुण आपां इत्थों दे मैनेजर हरिंदर जी दे नाल गलबात करांगे ते उहनां नूं थोड़ा जिहा गड्डिया दे बारे पुछांगे कि जिहड़े लोकी ईवन आ भी नहीं पाए एग्जीबिशन ते उहनां नूं भी गड्डिया दे बारे नॉलेज हो जाए कि कीड़ी लेटेस्ट गड्डी मार्केट च आ चुकी हुई है। सत श्री अकाल हरिंदर जी। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल अमृतसर वासियो। सर मैं जिवें देख सकदी आ कि टॉप मॉडल्स तुसीं कार दे लगाए होए है ते पहली कार सफारी है ते थोड़े दर्शकां नूं एक्सप्लेन करो इह कार दे बारे। यह सफारी गोल्ड का एडिशन लगा है जो सफारी नवा लॉन्च होया काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस देख सकते हो गोल्ड एडिशन के नाल गोल्ड के फ्रंट ग्रिल दी गई ने काफ़ी यूनीक है कि गोल्ड के नाल है प्लेटेड किया गया गोल्ड दे नाल। बिल्कुल बिल्कुल जरा कि लोगों को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है और ये अंदर जो फीचर्स भी दिए गए हैं वो भी बड़े अट्रैक्टिव कर रहे हैं और यदि प्राइस भी बड़ी अच्छी है 2000 cc के बहुत ही अट्रैक्टिव कर रही है कार है लोगों को। सर ये प्राइस की होएगा कार का? मैम यदा टॉप मॉडल 26 लाख का मॉडल है जी ऑन रोड। कलर कि अवेलेबल है? दो ही कलर मिलेंगे मैम वाइट और ब्लैक। दूसरी कार असं वेख सकते हैं सके एल्ट्रोज वेख सकते हैं काफ़ी सोहना कलर है तो यदि भी कीमत दसो सानू तो कलर दसो कि अवेलेबल हो जाएंगे। मैम यह एल्ट्रोज मॉडल है एक पेट्रोल और डीजल दोनों से आएगा। पेट्रोल 7 लाख तो शुरू हो जाता है और डीजल 8 लाख 24 हज़ार तो स्टार्ट हो जाता है। मैम दोवें चीज़ा पै सकती है पेट्रोल भी तो ईवन डीजल भी पै सकता है इत दोनों ही पेट्रोल और डीजल दोनों ही मिलन गया। जो कोई किसी की पेट्रोल की नीड हो पेट्रोल भी ले सकता है डीजल चाहे डीजल भी मिल सके। कह सकती हाँ कि कार च ईवन कि जिन्होंने पेट्रोल बेस कार लेनी है पेट्रोल बेस कार भी मिलेंगी ईवन जिन्हें डीजल बेस लेनी है डीजल बेस भी मिलेंगी। सर यदि कीमत की हैगी मार्केट च? यदी स्टार्टिंग 7 लाख तो शुरू हो जाता है मैम और 9.5 तो टॉप जाता जी। इसे कितने कलर अवेलेबल होंगे? मैम ये 6 कलर मिल जाएंगे वाइट सिल्वर ग्रे ब्लू और रेड। सर जेकर आप अगे नू वधीए ते पंच कार जिहड़ी हैगी टॉप मॉडल कार हाले लॉन्च ही हुई है मैं कह सकदी हां थोड़ी देर हुई है लॉन्च हुई है कार नू ते इहदे कार बारे सानू थोड़ा दस्सो बिकॉज काफ़ी गुड मॉडल है आया हुआ मार्केट च। पाइटेक्स दे विच जिहड़ा मेन अट्रैक्टिव का कारण साडी पंच बनी हुई है क्योंकि इन्ने लो प्राइस दे विच और इन्ने फीचर्स दे नाल कोई भी इस सैगमेंट की कार नहीं आ रही जो कि लोगों नू बहुत अट्रैक्ट कर रही है और लोगों का अट्रैक्शन का कारण बनी हुई पंच साडी कार जिहड़ी लोगों नू बहुत ही अच्छी लग रही है। सर यदि कीमत मैं सुनिया सी 9 तो स्टार्ट है या 5 लाख तो स्टार्ट है? मैम यदि कीमत 5.5 तो स्टार्ट हो जाती है और जिहड़ा इहदा टॉप मॉडल है 8.5 लाख तक जाता है। सर मैं एक होर लास्ट मॉडल देख सकती हूँ केड़ा मॉडल लगा हुआ है वाले कार का? हैरियर लगा है मैम हैरियर लगा है साडा मॉडल इहदे च। सर यदि कीमत किन्नी होएगी? यदि कीमत 17 लाख तो शुरू हो जाती है और टॉप 25 लाख तक जाती है। ये पेट्रोल बेस है या डीजल बेस कार है? ओनली डीजल मॉडल है मैम। सर जिदा मैं देख सकती काफ़ी प्लेंटी ऑफ पीपल आए हुए थे जिन्होंने बुकिंग करवानी हो अपनी कार की इतने ही करवा सकते हैं? बिल्कुल वो इतने कार बुक करवा सकते हैं। जिवें कि तुसी देख सकते हो कि जिहड़े लोग ईवन कि एग्जीबिशन च भी आए हुए हैं जिन्होंने कार लेनी है या देखनी है वो इतने एग्जीबिशन से मतलब 4 टॉप मॉडल्स इतने अमीगोस टाटा वाले ने लगाए हुए हैं तो ईवन कि इन्हों का शोरूम सर तरन तारण ता शोरूम है GT रोड पर मैम सा शोरूम है जी। GT रोड पर इन्हों का शोरूम अवेलेबल है जी। सो जिहड़े लोगों ने मतलब आना है कार्स नूं जिहड़े लोग कई बार एग्जीबिशन से भी नहीं पहुँच पाते हैं सो जिहड़े लोग एग्जीबिशन से नहीं पहुँच पाए वो साडे वीडियो के थ्रू वेख सकते हैं कि प्लेंटी ऑफ मॉडल्स लगे हुए हैं तो जेकर इन्हों के शोरूम से भी जाना चाहते हैं तो GT रोड पर शोरूम अवेलेबल है इन्हों का अमीगोस टाटा का। बाकी एक बार मैं फिर तुम्हें कार्स विखाना चाहूँगी कि डिफरेंट डिफरेंट टॉप मॉडल्स इतने कार के लगे हुए हैं पंच लग्या होया एल्ट्रोज लग्या होया है तो ईवन कि सफारी कार भी इतने अवेलेबल हैगी है। जिमें कि हूँ आप अमीगोस टाटाज के इतने स्टॉल तो है से हूँ अगला स्टॉल भी कार का ही है जो कि नोवल्टी हुंडाए का स्टॉल है तो इतने भी मैं देख सकती हूँ कि प्लेंटी ऑफ न्यू कार्स इतने लगिया हुई हैं जिदा कि वेन्यू कार लगी है i20N line लगी हुई है तो 2-4 मॉडल होर भी है जो कि नवे ही मॉडल्स इतने लगे हुए हैं तो आप इतों के मैनेजर गलबात करा तो उन्होंने पूछा। सत श्री अकाल सर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। सत श्री अकाल मैम। जिमें कि असं देख सकते हैं कि प्लेंटी ऑफ कार्स लगी नवे मॉडल्स लगे हुए हैं पहली कार वेन्यू है तो थोड़ा सानू एक कार दे बारे दसो। मैडम जी बिल्कुल जी ये इस टाइम मिनी XUV आती है इस टाइम यदि परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है अट्रैक्टिव लुक देने लिए इस फोग लैंप आए जाते हैं प्रोजेक्टर हैडलैंप आए जाते हैं LED लाइट्स आ जाएगी प्लस इस सनरूफ आ जाएगा स्मार्ट फीचर आने सारे साइड ग्लासिस जो इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल है क्रोम फिनिशिंग आएगी डोर हैंडल और
इनसाइड जो है टस्क पैनल आ जाएगा इसमें और ब्लैकिश इंटीरियर है जो भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देता है गाड़ी को। मतलब अभी कह सकते हैं कि एक कंप्लीट पैकेज एक कार में कह सकते हैं, जैसे कि सनरूफ वगैरह भी अवेलेबल है, इवन की कार भी काफ़ी मैंने स्पेशियस कार लग रही है। तो सर यदि कीमत कितनी को होगी मार्केट? मैडम मार्केट से स्टार्टिंग 8 लाख तो स्टार्ट हो गए, तो टॉप मॉडल है 12 लाख तक आ जाएगी जी। मतलब कितनी को कलर अवेलेबल रहेंगे? 6 कलर आएंगे जी, अपना ग्रे कलर आएगा, व्हाइट आएगा, सिल्वर आएगा, डेनिम ब्लू आएगा, डी फॉरेस्ट कलर आएगा। दूसरी कार वाल जब कर आप आइए तो दूसरी कार इतने अवेलेबल हैगी है i20 N-Line, तो ये भी थोड़ी जी सानू दर्शकों को दसो ये कार के बारे में। मैम ये सबसे पहले ये न्यू N-Line का मतलब है कि एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ी है। इसमें क्या है कि ये दो वर्जन में आएगी, IMT आएगी और DCT आएगी, दो वर्जन आएंगे इसमें प्रॉब्लम। और इसका जो इंटीरियर है वो पहली जो i20 हमारी आ रही है उससे बिल्कुल अलग है। इसके अलॉय जो है इसमें डायमंड कट अलॉय आएंगे, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय आएंगे इसमें, और ब्लैक कलर के साइड ग्लासेस आएंगे जो गाड़ी की स्पोर्टी लुक देने के लिए अच्छा है। और साइड में इसमें स्पोर्टी लुक देने के लिए ये जो रेड कलर की पट्टी दी हुई है ये अट्रैक्टिव लुक देता है। और इसमें जो इसमें जो ब्लैक इंटीरियर इसमें IMTC के क्लच के बजाय, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें से विदाउट क्लच दबाए आप मैनुअल गियर चेंज कर सकते हो। मतलब कह सकते हैं असि कि एक कार का एक्सटीरियर काफ़ी ही ज़्यादा गुड, मैं कह सकती हूँ ईवन कि जेकर व्हील्स की गल की जाए तो कार के व्हील्स भी बहुत ही ज़्यादा, सर ने जदा एक्सप्लेन किया कि बहुत ज़्यादा गुड है, अलॉय व्हील्स है। तो सर ये कार की कीमत कितनी रहेगी? मैम ये कार जो है 11.5 लाख से स्टार्ट होगी, 13.75 लाख के बीच में आ जाएगी। तो सर नैक्सट कार वाला आप चलते हैं कि नैक्सट कार तुम दस दो कि कार हैगी है? ग्रैंड i10 न्योज़ है, ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, कम्पैक्ट है, ये फैमिली कार है। इसमें आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाएगा, अलॉय आ जाएंगे, ये स्पोर्ट्स मॉडल का है, ऑटोमेटिक लगी हुई है, स्पोर्ट्स मॉडल है, मॉडल है ये। और इसकी रेट लुक देने के लिए ग्रिल भी है, डीआर लाइट्स भी आएंगी इसमें आपकी, और प्लस इसमें साइड मिरर जो है इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल विद इंडिकेटर के साथ है। कह सकते हैं जो साइड मिरर है वो इलेक्ट्रॉनिक साइड मिरर इतने अवेलेबल है ना जी। और मैम इसमें जो है कस्टमर की फैसिलिटी के लिए इसमें टच पैनल भी आ जाएगा और पार्किंग कैमरा जो डिस्प्ले में आपका आ जाएगा टोटली, और एसी जो ऑटो क्लाइमिंग कंट्रोल आएगा आपका। मतलब एक कार मैं कह सकती हूँ कि फैमिली कार मैं कह सकती हूँ इनू, तो बहुत ही सोहनी कार हैगी है भी। मतलब मैं 3 गड्डियाँ हाले इस टाइम पर देख चुकी हुई हाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा गुड, तीनों बहुत ही ज़्यादा गुड कार्स ने, फैमिली कार्स इवन कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी ने अंदर। तो एक लास्ट इतने मॉडल सर रह गया, वो मॉडल बारे भी सानू एक्सप्लेन कर दो। मैम ये अभी रिसेंटली मैं लॉन्च हुआ है, बस इसमें लोग काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव आ रहे हैं इसमें, क्योंकि ये अलेक्जार का नया मॉडल लॉन्च है, ये टॉप वेरिएंट लगा हुआ है सिग्नेचर मॉडल। और इसमें क्या है कि इसमें 360-40 कैमरे हैं साइड दोनों से, बहुत साइड में कैमरे एडवांटेज, फ्रंट कैमरा आ जाएगा इसमें, पार्किंग सेंसर आ जाएगी, प्रोजेक्टर व्हाइट कलर के आ जाएंगे, LED लाइट्स आ जाएंगी आपकी, और डायमंड कट्स में भी लॉय आएंगे, और इसमें पैनारोमिक सनरूफ आएगा। मतलब 360 कैमरास अवेलेबल नहीं थे जी इस मॉडल। और इसमें एडिटिव है, सबसे पहले इसमें है कि पैनारोमिक सनरूफ आ जाएगा, पूरा का पूरा जो है सनरूफ आ जाएगा इसका ग्लास में। एक कार से एक बहुत ही यूनिक चीज़ मैं सुनने को वैसे देख रही हूँ कि 360 कैमरास नहीं कार जो, मतलब बहुत रेयर सुनने मैंने मैं क्या मिलता है चीज़। जी जी मैम। सर इसकी कीमत की रहेगी कार की? मैम ये 18.5 लाख से स्टार्ट होकर 22 लाख के मॉडल आता है ये वाला। कितने को कलर्स, मतलब व्हाइट कलर है या कोई और भी कलर भी आता है? ब्लैक भी आ रहा है इसमें। अब ये गाड़ी थोड़ी सी वेटिंग भी है क्योंकि कस्टमर का काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। इसमें जो इंटीरियर है, इंटीरियर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आएगा, इसमें आप मड स्नो और उसमें जाएंगे तो आपकी स्किट नहीं करेगी, और वेंटिलेटर सीट्स आएगी, ड्राइविंग सीट जो है इलेक्ट्रॉनिक है, और कस्टमर को बेनिफिट के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट दिया हुआ है ताकि कस्टमर को ऊपर चढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक कार बहुत ही सोहनी, मैनू पर्सनली पूछा जाए तो एक कार का इंटीरियर एक्सटीरियर दोवों में देखा तो बहुत ही सोहनी कार हैगी है। एंड जिवें मैं तुहानूं पहले ही कहा कि 360 कैमराज जो कि एक बहुत ही यूनीक चीज़ मैंने लगी है। जेकर आप मैं इंटीरियर की गल करा तो अंदर इंटीरियर भी बहुत ही ज़्यादा सोहना हैगा है एक कार का। तो सर जी किसी ने मतलब अपनी बुकिंग करानी हो तो इतने बुकिंग करवा सकते हैं? मैम बिल्कुल जी, ऑनलाइन बुकिंग भी हमारे पास अवेलेबल है और रिटर्न में भी दे देंगे हम। मतलब जिन्होंने इतने ऑनलाइन बुकिंग करवानी है या आपने तुम शोरूम से भी जाके करवा? जी 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 मैम। जो तुम देख सकते हो कि आप मतलब अमीगो स्टार्टा की भी अज असी चेक किए, मतलब कार्स उन्होंने चेक की, ईवन कि नॉवल्टी हुंडई की भी कार्स देखिया ने। सो दोनों स्टॉल से एक टॉप मॉडल्स कार लगी हुई हैं। सो जिहड़े लोगों ने मतलब जिहड़े लोग इत्थे एग्जीबिशन आए ने वो तो कार्स देख सकते हैं, बट जिहड़े लोग एग्जीबिशन अवेलेबल नहीं है वो वीडियो के थ्रू कार्स देख सकते हैं तो इन्हों के शोरूम से विजिट कर सकते हैं। बाकी देखते रहो मेरे नाल अमृतसर पेज न्यूज़।